ओम शांति। 11 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सत्य बाप सच खंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। प्रश्न, तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है, अंदर में समझना है हम सब भाई भाई व भाई बहन हैं, बाकी ऐसे नहीं स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो, इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया, युक्ति से चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, रूहानी अक्षर न कह सिर्फ बाप कहे तो भी अंडरस्टूड है यह रूहानी बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को, सबको तो नहीं समझाते होंगे। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान वाच, किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे, वह भगवान बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा, अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई के चल ना सके। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे, प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर ज्यादा सुने। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच्य। उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला समझाने वाला कौन है, वह सुप्रीम सोल ज्ञान सागर निराकार है, वह है ही ट्रुथ, वह सत्य ही बताएगा, फिर उसमें कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। तुमने सब छोड़ दिया ट्रुथ के ऊपर, तो पहले पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह राजाई पद है जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सभी का बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वह है पतित पावन, वह जब यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे, तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत की लड़ाई है, विनाश के बाद वॉइसलेस दुनिया होनी है। यह मनुष्य जानते नहीं कि भारत ही वॉइसलेस था, बुद्धि चलती नहीं, गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है, इसलिए यह किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, कुछ बोलते हैं, इसलिए पहले पहले यह समझाओ, इसमें लिखा है शिव भगवान वाच्य, वह तो है ही ट्रुथ,
बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको उस बेहद के बाप से मिलती है, वही सृष्टि का रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है, उस परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, वह नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, जो बाप ही सच खंड बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने, बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है हमको भगवान पढ़ाते हैं, कई निश्चय करते भी हैं फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको सब कहते हैं तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को क्यों छोड़ आए हो। संशय आने से ही भागंती हो जाती है, कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवान वच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे, जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाएंगे। यहाँ है ही राज्यों की बात, तुम जाकर राजाई करेंगे, बाकी जो आत्माएं हैं वह अपना हिसाब चुकतो कर वापस चली जाएंगी। यह कयामत का समय है। अब यह बुद्धि कहती है सत्युग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत। तुम समझते हो अभी सब नरकवासी है, अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊंगा, मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है ना। सब पुकारते रहते हैं हे गॉड फादर, भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, यह जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर हे भगवान नहीं निकलेगा। मनुष्यों को तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वह हमारा बाप है, तुमको हे बाबा थोड़े ही कहना है। बाप से तुमको तो वर्षा लेना है। पहले तो यह निश्चय हो कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने के अधिकारी बनाते हैं। यह तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं हमने जिन बच्चों को ज्ञानामृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, विश्व का मालिक देवता बनाया था, वही कामचिता पर बैठ भस्मीभूत हो गए हैं। अब मैं फिर ज्ञानचिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया है तुम आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती हो,
सुख धाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी। वहां देवताए रहते हैं और वह है स्वीट होम, आत्माओं का घर। सभी एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पाठ बजाने। हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है, वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदली कर पाठ बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, जहाँ हम फिर वापस जाते हैं। जब अभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं, तब बाप आकर सबको ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है तो इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार तो करो, पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहने नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं घर ले चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन योग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। क्रिश्चियन में बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। गेरू कफनी की जो पहर वाइस है, वह है हट योग की। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, न कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी यह हो गई है। आजकल सफेद पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो सफेद चादर डालते हैं। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। दो बाप है, यह बातें समझने में टाइम लेती हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सत्युग में एक बाप, इस समय है तुमको तीन बाप, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी तो बाप है सबका। अच्छा, अब तीनों बाप में ऊंच वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते और ब्रह्मा द्वारा वर्षा भी देते हैं। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा है, फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव, आदि देवी। यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं मुझे शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सबका बाप हूँ। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए भाई बहन, आपस में क्रिमिनल एसल्ट करना सके। अगर दोनों की आपस में विकार की दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन काला मुह करते हो। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है। लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है कि यह हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, यह ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने
भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान गुप्त संबंध है। अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती है, पति स्त्री का नाम ले सकते हैं। इसमें बड़ी युक्ति से चलना है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा बाप को बाप कहना पड़ेगा ना। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हैं तो वह भाई बहन नहीं समझेंगे, जो बीके बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले ही चमकेंगे, इसमें समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए। बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अभी बुद्धि चली जाती है बेहद में। वह हमारा बेहद का बाप है। यह सब हमारे भाई बहन हैं, लेकिन घर में सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे यह तो पति को भाई सासू को बहन कह देते, यह क्या है। यह ज्ञान की बातें तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना, प्रभु तेरी गति मत तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बड़ी संभाल से चलना पड़ता है, कहां कोई मूंझे नहीं। तो प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले पहले यह समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब तुम बताओ भगवान कौन, निराकार शिव या देहधारी श्री कृष्ण। जो गीता में भगवान वच है वह शिव परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे हैं या श्री कृष्ण ने। कृष्ण तो है स्वर्ग का पहला प्रिंस। ऐसे तो कह नहीं सकते कि कृष्ण जयंती सो शिव जयंती। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण कैसे बना, वह है समझने की बात। शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर फट से है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं ना, बच्चों की बुद्धि में आया है ना। जब तक शिव परमात्मा न आए तब तक शिव जयंती मना नहीं सकते। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन न करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़े हैं। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सत्युग में होगा ना, देवी देवताओं की राजधानी होगी जरूर। सिर्फ एक कृष्ण को बादशाही तो नहीं मिलेगी ना, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी है कृष्णपुरी, और फिर यह है कंसपुरी। कृष्णपुरी नई दुनिया, कंसपुरी है पुरानी दुनिया। कहते हैं देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीता, परंतु ऐसे तो है नहीं। कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। कंसपुरी पुरानी दुनिया में होगी, नई दुनिया में थोड़े ही यह कंस दैत्य आदि होंगे। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सत्युग में बहुत थोड़े हैं।
यह भी तुम समझ सकते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है। देवताओं ने तो कोई लड़ाई की नहीं। दैवी संप्रदाय सत्युग में ही होते हैं। आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी न देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, न कौरवों और पांडवों की हुई है। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं, इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले तो वॉयलेंस हिंसक बन जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वॉयलेंस। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो बुद्धि योग उस बाप से ही लगाना है, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। कल्प पहले मुहाफिक। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। फिर क्लास ट्रांसफर हो, नंबर वार जाकर बैठते हैं ना? तुम भी नंबर वार जाकर वहां राज्य करेंगे। कितनी समझ की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस कयामत के समय जबकि सत्युग की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा, ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले मूंझ जाए। वरदान। मन्मथ परमथ को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मन्मत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मन्मत व परमत मिक्स है। मन्मत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। स्लोगन। मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.